सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली आयुर्वेदिक सिरप के बारे में, जो कि हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसे हम सभी लिव 52 के नाम से जानते हैं, और यह मार्केट के अंदर भी आपको लिव 52 के नाम से भी मिल जाती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह लिव 52 है क्या, साथ ही साथ वीडियो में हम इनके यूजेज के बारे में सीखेंगे, साइड इफेक्ट्स को भी देखेंगे, एवं क्या डोज होती है एवं क्या कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सीखेंगे, साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम यह भी सीखेंगे कि बहुत सारे लोग लिव 52 का प्रयोग आपको वेट गेन के लिए करता है, तो क्या वह वेट गेन के लिए जो लिव 52 सिरप का प्रयोग करता है तो वह सही है या नहीं है, और एक्चुअल में व्यक्ति का वेट गेन होता है या नहीं है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति, और भी जो सवाल पूछे जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसको लीवर इन मजबूत करना हो, मतलब लीवर को मजबूत बनाना हो, लीवर के फंक्शंस को अगर और मजबूत करना हो, तो क्या उसके लिए लिव 52 सिरप बेटर है या नहीं है, तो इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं हूं आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लिव 52 आपका हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अगर हम इसके मूल कंपोजिशन की बात करते हैं, जिसमें आपको हिमसरा एवं जो चिकोरी होता है, साथ साथ इसके अलावा कुछ और आपको आयुर्वेदिक तत्व मिलाए जाते हैं, यह पूर्ण रूप से आपका आयुर्वेदिक है। इसके अंदर जो हिमसरा होता है वह हमारे लीवर के फंक्शंस को बढ़ाता है, एवं साथ ही साथ लीवर के एंजाइम को मेंटेन करने का कार्य करता है। अब हम वीडियो में आगे जान लेते हैं दोस्तों लिव 52 के यूजेज के बारे में विस्तार से। तो यदि कोई व्यक्ति जिनको जॉन्डिस हो गया हो, जॉन्डिस जिसे हम सभी पीलिया के नाम से जानते हैं हिंदी में, तो उसके ट्रीटमेंट में आपको लिव 52 सिरप दिया जाता है, उसका बहुत बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जिनको एल्कोहल पीते पीते उसका लीवर का जो फंक्शंस है वह स्लो हो गया हो, या फिर लीवर के एंजाइम सीक्रेट नहीं कर पा रहा हो लीवर उसका, तो वहाँ पर भी आपको लिव 52 का उपयोग किया जाता है, एवं इसका बहुत बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जिनको फूड पच नहीं रहा हो, मतलब जिनको अनपच हो जा रहा हो, डाइजेशन नहीं कर पा रहा हो उसका, आप लीवर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हो, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने के लिए आपको लिव 52 का सिरप का प्रयोग किया जाता है, एवं इसका बहुत बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आपको हेल्दी रूप से वेट गेन के लिए किया जाता है। हेल्दी रूप अगर हम कहें, इन द सेंस कि यदि कोई व्यक्ति जो कि लिव 52 सिरप का उपयोग करता है, तो उसके लीवर का जो क्रिया है, फंक्शंस है, वह बढ़ जाता है, लीवर का जो एंजाइम सीक्रेट का लेवल है वह मेंटेन होता है, देन साथ ही साथ व्यक्ति को भूख बहुत तेज़ लगने लगती है। जब व्यक्ति को भूख तेज़ लगती है तो वह जब खाना खाता है उसका जो डेली डाइट होता है बढ़ जाता है। जब वह डेली डाइट बढ़ जाता है तो स्वाभाविक वह जो कुछ भी खाता है वह उसके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, देन व्यक्ति का वेट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको हेपेटाइटिक बी, जो कि लीवर से संबंधित एक समस्या है, उसके ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है, और उससे प्रिवेंशन के लिए भी दिया जाता है, ताकि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम ना हो, कहीं उसके प्रिवेंट में भी आपको लिव 52 दिया जाता है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा यूजेज की बात करते हैं दोस्तों, तो यदि कोई व्यक्ति जिनको लीवर डैमेज से संबंधित कोई समस्या हो, मतलब व्यक्ति का लीवर डैमेज से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रखा हो, तो वहाँ पर भी आपको लिव 52 सिर्फ दिया जाता है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर भी देखा जाता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति जो कि लंबे समय बीमारी से उभरा हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत दिनों से बीमार था, तो वह बेड पर लेटा हुआ था, वो भोजन नहीं कर पा रहा था सही पे, तो लंबे समय से बीमारी से उभरने के बाद भी आपको इस सिरप का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो उसका लीवर है वो प्रॉपर रूप से फंक्शंस कर सके, और व्यक्ति जो भी खाना खाए वो उसके बॉडी में डाइजेस्ट हो सके,
तो इन सारे कंडीशंस में आपको लिव 52 सिरप दिया जाता है। साथ ही साथ हो सकता है दोस्तों हमने जो यूजेज बताया आपको, इन यूजेज के अलावा डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी और प्रकार के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको लिव 52 सिरप का प्रयोग करता हो, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी अगर हम इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें स्टूल का कलर चेंज हो सकता है, आपको डायरिया की समस्या हो सकती है या फिर स्टोमक अपसेट सा लग सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बट हो सकता है इसके अलावा अगर कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले तो आप फर्दर इस दवा का प्रयोग बंद करें या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वह दूसरी ट्रीटमेंट आपको दे सके। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों लिप 52 सिरप के डोज के बारे में। अगर हम इनके डोज की बात करें तो वह पेशेंट के एज एवं वेट के ऊपर डिपेंड करता है एवं कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर हम एडल्ट्स के लिए इनके कॉमन डोज की बात करते हैं तो यदि कोई एडल्ट जो कि OTC के रूप में मतलब ओवर द काउंटर परचेज करके अगर इसका प्रयोग करता है खुद से, तो वह एक ढक्कन जो इसके अंदर एक ढक्कन आता है उससे आप एक ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में एक बार, जो आप दिन में एक बार प्रयोग में ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों लिव 52 सिरप के कुछ प्रिक्वेशंस एवं वार्निंग्स के बारे में कि हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। तो यदि कोई व्यक्ति जिनको लीवर से संबंधित प्रेजेंट में कोई समस्या चल रहा हो तो वह व्यक्ति OTC के रूप में लिव 52 सिरप का प्रयोग ना करें, वह अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। यदि आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तब जाके आप लिव 52 सिरप का प्रयोग करें। साथ ही साथ इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो यह खराब हो सकता है, बच्चों की पहुँच से आपको लिव 52 को दूर रखें। तो ये थे इनके कुछ मुख्य प्रिक्वेशंस दोस्तों, तो आप इस प्रकार से इसको सुरक्षित रख सकते हैं, इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं दोस्तों कुछ सवाल इसके बारे में। जैसा जो सबसे पहले इसके बारे में कॉमनली सवाल पूछा जाता है, तो क्या यह वेट गेन के लिए परफेक्ट है या नहीं है? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ फ्रेंड्स, वेट गेन के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब हम लिव 52 सिरप का प्रयोग करते हैं तो यह एक आयुर्वेदिक है और यह हमारे लीवर के फंक्शंस को इंक्रीज कर देता है। जब हमारा लीवर प्रॉपर रूप से फंक्शंस करने लगता है तो जब हम कुछ भी खाते हैं वह हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है, देन जा कर के धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो यह एक अच्छा मेथड है आपका वेट गेन के लिए, और सबसे बड़ी बात यह आयुर्वेदिक है तो आपको फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता है। दूसरा जो सवाल कॉमनली पूछा जाता है दोस्तों कि क्या यह लीवर से रिलेटेड समस्या को ठीक करता है या नहीं करता है, तो इसका भी जवाब है जी हाँ फ्रेंड्स, ये लीवर से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, जैसे आपका जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन में हो गया। बट इन चीज़ों के अब प्रिवेंशन में यदि ये आपको प्रॉब्लम्स हो रखा है लीवर से रिलेटेड कोई समस्या, तो आप खुद से OTC के रूप में ना करें, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत हो सकता है। आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं या सिर्फ तब जाकर के आप इसका प्रयोग लें। तो फ्रेंड्स यह था संपूर्ण डिटेल्स आपका लिव 52 सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के हमने अंदर पूरी जानकारी आपको दे दी हो लिव 52 के बारे में, और वीडियो आपको पसंद आया हो, काफ़ी समझ में भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एवं चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं हूं आपका दोस्त किशन, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।